फ्रेंड्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX के शेयर के ऊपर F&O में पोजीशन बनाने से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आ रहे हैं। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, शुक्रवार के दिन यह शेयर 10% के आसपास की तेजी दिखा रहा था, क्योंकि यहां पर बोनस जारी होने की वजह से शेयर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ गई थी। मगर बाद में बाजार खत्म होते होते यहाँ पर हमें वापस यह शेयर नीचे आता हुआ भी दिखाई दिया था। तो ओवरऑल यहाँ पर अपडेट की बात करें तो F&O में IEX के शेयर के ऊपर पोजीशन बनाने के ऊपर रोक लगी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा कि कोई लोग फ्यूचर में इस शेयर को ट्रेड करते हैं, उसको अब इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंध के बावजूद कोई फ्यूचर में पोजीशन बनाता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर F&O में ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, कैश मार्केट में इसका कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि जो लोग डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं तो यहाँ पर इसका कोई पेनल्टी नहीं लगता। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे रिटेल ट्रेडर भाई ऐसा मानते हैं कि F&O में बैन लग जाने से शेयर घटता है और ये नेगेटिव होता है, मगर नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इसका कोई खास रिलेशन नहीं है कैश मार्केट से सीधा। तो ओवरऑल फिर भी देखते हैं फ्रेंड्स, आज हमें इस न्यूज़ का कोई खास इफेक्ट शेयर के ऊपर देखने को मिलता है या नहीं।